खबर छिंदवाड़ा से, जहां जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार कोविड 19 पर नियंत्रण पाने के लिए वैक्सीनेशन को लेकर जिले के हर ब्लॉक स्तर पर प्रशासनिक अधिकारी एवं जनप्रतिनिधियों के सहयोग से एक दल बनाकर गांव-गांव जाकर लोगों को वैक्सीन के प्रति जागरूक करके वैक्सीनेशन अभियान को सफल बनाने के लिए जिला कलेक्टर सौरभ सुमन के निर्देशन पर चिन्हित स्कूल, महाविद्यालय और अस्पताल और ग्राम पंचायत भवनों में कोवैक्सीन और कोविशील्ड का टीका लगवाया जा रहा है, जिसमें आज छिंदवाड़ा में कोवैक्सीन का पहला और दूसरा डोज लगाया जा रहा है और जनता से अपील भी की जा रही कि इस महाभियान टीकाकरण वैक्सीन में जाकर वैक्सीन लगवाएं। वहीं कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन और एसपी विवेक अग्रवाल द्वारा सेंटरों का निरीक्षण भी किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर पूरे जिले में सभी 11 ब्लॉक में 250 से भी अधिक सेंटर्स पे लगभग 34,000 के आसपास वैक्सीनेशन करने का टारगेट हम लोगों ने लिया है। शासन से हम लोगों को 18,000 का टारगेट मिला है, लेकिन जो भी उपलब्धता वैक्सीन की है वो सब हम लोग लगाना चाहते हैं। इसी तारतम्य में पिछले 3 दिन से लगातार तैयारियां की जा रही हैं। प्रयास ये है कि इस पूरे माहौल को एक राष्ट्रीय उत्सव का, एक राष्ट्रीय पर्व का माहौल दिया जाए, देशभक्ति की भावना को इसमें लोगों के मन में जागृत किया जाए कि हम लोग जो अभी वैक्सीनेशन का काम कर रहे हैं ना सिर्फ कोविड 19 से बचाव के लिए, बल्कि जनसंख्या को बचाते हुए देश के विकास की तरफ कदम बढ़ाने का एक काम कर रहे हैं। और इसमें मेरी जनता से अपील है कि आप लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। आज सिर्फ इसका आगाज़ है और आगे लगातार बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन होना है। सब लोग बिना किसी भय के, बिना किसी भ्रम के आगे बढ़ें। हमारे ज़िले में अभी तक 3.5 लाख से ज़्यादा वैक्सीनेशन के डोजेज हुए हैं और कहीं किसी को कोई कठिनाई। उत्सव सा माहौल है, लोगों में उत्साह देखा जा रहा है, लोग बढ़ चढ़ कर इस अभियान का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक हैं और इस अभियान को सफल बनाने के लिए प्रशासन ने, जिला प्रशासन ने पूरी व्यवस्थाएँ कर रखी हैं। लोगों को बार बार प्रेरित करना और उनको जागरूक करने के लिए विभिन्न तरह के प्रयास किए गए हैं और उन प्रयासों को सफलता मिलती हुई दिख रही है। सभी लोग पूरे ज़िले भर में फैले लगभग 327 वैक्सीनेशन केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और अपने अपने लिए टीकाकरण अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। इस अभियान में मैं सभी लोगों से आग्रह करूंगा, पूरे ज़िले वासियों से पुनः अनुरोध करूंगा कि लोग इस अभियान में अपने परिचितों को, अपने परिजनों को प्रेरित करते हुए वैक्सीन लगवाएँ और सुरक्षित रहें। वैक्सीनेशन ही एकमात्र अभी की परिस्थिति में एक सुरक्षा कवच है जो इस कोरोना महामारी से लड़ने में हमें बल प्रदान करता है। छिंदवाड़ा से आशीष मालवी की रिपोर्ट।